मुझे लगता है पूरा पैकेज होना वो विनर क्वालिटी है जो कि डीनो में है. आई थिंक नायरा, मैंने नायरा और हीरा ने किया, बट पहला वाला जो हाई स्टंट था वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा था. अगर कभी वो स्टंट हारा भी है तो आई थिंक इट मस्ट हैव बीन जस्ट अ बैड डे. वो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मायने रखता है, बिकॉज रूल्स फॉलो ना करना, बिकॉज सेफ्टी टीम आपको पूरा ब्रीफ देती है स्टंट से पहले. अभी फिलहाल मैं बिग बॉस नहीं करना चाहता हूँ, नेवर से नेवर. ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं करना चाहता हूँ. फिलहाल फाइनली ये जर्नी हमारी ख़त्म होने वाली है. 14 अक्टूबर को फिनाले है और इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी है. तो अर्जित 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 बहुत बढ़िया है. जैसे कि मैंने पहले कहा था, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस एंड बहुत मज़ा आया पूरे शो में, पूरी जर्नी में, स्टंट्स में, वहाँ रहने में सबके साथ 2 महीने. इट वॉज अ मेमोरेबल टाइम एंड इट वॉज अमेजिंग. अर्जित, सो ये जानना चाहेंगे, आपका एक फोबिया था जो हाइट का फोबिया था. हमने आपके सारे यू नो एपिसोड्स फॉलो किए, लेकिन वो हाइट का फोबिया आपका निकला नहीं. सो व्हाट इज दैट वन थिंग कि अभी भी वही फोबिया है? आपको कैसे पता नहीं निकला? क्योंकि आप लास्ट वाला हाइट स्टंट देखो यार, मेरा मैंने पूरा किया है. लास्ट वाला मतलब जो अभी आया है विद हीना एंड किसने, आई थिंक नायरा, मैंने नायरा और हीना ने किया. सो अगर फर्स्ट हाइट स्टंट से लेके यहाँ तक की जर्नी देखे तो काफ़ी हद तक निकला है. मैं नहीं कहूँगा पूरी तरह निकला है, बट पहला वाला जो हाइट स्टंट था वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा था. रोहित सर इतना पुश कर रहे थे मुझे एंड मुझे चोट वोट भी लग गई थी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. बट जो अभी हाल ही में आया है एपिसोड, उसमें जो किया है इट्स बीन मच बेटर. सो काफ़ी हद तक निकला है. चैलेंजेस थे हीना, दिव्यंका एंड फैजू. आज फैजू का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे फैजू. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार. दिव्यंका वॉज वेरी टफ, शी वॉज वेरी गुड. जैसे उन्होंने चॉपर पे स्टंट किया था, जो स्ट्रेंथ चाहिए चॉपर वाला स्टंट करने के लिए, मैंने, उन्होंने और शिव ने, हम तीनों ने आई थिंक सेम नंबर ऑफ फ्लैग्स कलेक्ट किए थे. सो शी वॉज अमेजिंग. फैजू भी बहुत ही बढ़िया था एंड हीना तो है ही कमाल. आपका कौन सा फेवरेट स्टंट रहा है जिसे आप दोबारा परफॉर्म करना चाहेंगे? वो आने वाला है अभी, आई थिंक फिनाले से एक स्टंट पहले था वो. गाड़ी का एक स्टंट था, फर्स्ट कार स्टंट जो मैंने किया था, दैट वाज अ लॉट ऑफ फन. सो अर्जित, खेला तो आपने भी बहुत अच्छा, आपके आग पे भी लग गई थी. हाँ यार. और एक क्वालिटी क्या जो आप देखते हो जो जो विनर रहे उसके अंदर आपको पसंद आई हो? मुझे लगता है पूरा पैकेज होना वो विनर क्वालिटी है जो कि डीनो में है. एंड जैसे सबको किसी ना किसी चीज़ से डर लगता था, मुझे हाइट से था. रश्मीत वॉज वेरी गुड इन स्टंट्स, बट उनको पानी से थोड़ा उनका वो था. अर्चना का भी हाइट से था, ऐश्वर्या का कुछ था. सो शिव का भी पानी से था. तो डीनो का ऐसा था, उसको किसी चीज़ से डर नहीं था. यू शुड डू ऑल द स्टंट्स वेरी वेल. अगर कभी वो स्टंट हारा भी है तो आई थिंक इट मस्ट हैव बीन जस्ट अ बैड डे. तो वो क्वालिटी आई थिंक विनर की होती है कि वो हर चीज़ में पूरा बैलेंस आउट करे एंड आई थिंक ही डिजर्व्स टू विन. अजय, हर शो कुछ ना कुछ सिखाता है, ये शो से आपने क्या कुछ सीखा है? इस शो से क्या सीखा है? Yes. यार बहुत काम रहना सीखा है, क्योंकि जब आप स्टंट कर रहे होते हो ना, वो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मायने रखता है. बिकॉज अगर मैं आपको यहाँ पे एक रैम दे दूँ, यहाँ से वहाँ जाने का आप चल लोगे, यही अगर हाइट पे हो तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके दिमाग में है कि आप हाइट पे हो, जैसे मेरे दिमाग में था. सो आई थिंक बींग काम मेंटली एंड कॉन्सेंट्रेट करना, वो मैंने थोड़ा सीखा है. रोहित सर का बहुत सारा यू नो बहुत गाइडेंस होता है. जी जी जी. कई बार ऐसा होता है कि कंटेस्टेंट सुनते नहीं और अबॉर्ट कर देते हैं. सो क्या आपका कहना है रोहित सर को लेकर, और नहीं सुनना, और कभी ऐसा हुआ जो आपने नहीं सुना और यू नो रिग्रेट किया हो बाद में वो स्टंट को लेकर? मैंने तो ऐसा नहीं किया कि मैंने रोहित सर का ना सुना हो, क्योंकि मैंने जैसे कि हाइट के स्टंट्स थे, मैंने अगर थोड़ा सा भी कहीं भी किया है हाइट का स्टंट, वो रोहित सर की गाइडेंस से ही किया है. अगर वो पुश ना करते और हेल्प ना करते, मैं नहीं कर पाता. एक दो लोगों ने किया था ये, जो नहीं सुना था उनका अबॉर्ट कर लिया, उनको डांट भी पड़ी. बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने रोहित सर की हर बात सुनी. ही इज द बेस्ट. बीच में कोई
बीच में यू नो एक बार रोहित सर गुस्सा भी करने लग गए थे कि बहुत हल्के में ले रहे हो आप लोग, बहुत लाइटली ले रहे हो, तो इसके बारे में क्या कहना है? उस वक्त ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से रोहित सर को इतना गुस्सा आ गया था? आई डोंट नो आप किस कौन से वाले स्टंट की बात कर रहे हो, बट एक दो बार आई रिमेंबर ऐसा हुआ है. रूल्स फॉलो ना करना, बिकॉज सेफ्टी टीम आपको पूरा ब्रीफ देती है स्टंट से पहले. सेफ्टी टीम आपको बताती है, डायरेक्टर जो हमारे डायरेक्टर हैं नीरज सर, वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं. और अगर आप फिर भी ना सुनो तो वो हमें इसलिए डांटते हैं कि आपको ही नुकसान पहुँच सकता है, आपको चोट पहुँच सकती है. सो वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है. एंड इतनी मेहनत जाती है यार एक स्टंट को डिज़ाइन करने में महीनों की. अभी वापस शुरू कर लेंगे लो अगले सीजन का. इमेजिन इट्स अ ईयर ऑफ हार्ड वर्क. सो पार्टनर स्टंट्स की बात करो, इस सीजन में पार्टनर स्टंट बहुत हुए और आपके यू नो आपस के बीच में भी ऐसा होता था, अरे ये पार्टनर नहीं चाहिए वो पार्टनर चाहिए. तो फॉर यू आपके लिए कौन सा पार्टनर सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है? मैंने अर्चना के साथ दो स्टंट किए थे और हम वो दोनों स्टंट जीते हैं, तो अर्चना के साथ मज़ा आया था. शिवा मैंने भी एक स्टंट किया था, वो जीत नहीं पाए, बट मज़ा आया करने में. स्टंट करने में सबके साथ मज़ा आता है यार. किसी के साथ आप जीत जाते हो, किसी के साथ नहीं जीतते. किस्मत भी बहुत मैटर करती है उस टाइम. सो बट अर्चना कहूँगा, क्योंकि उसके साथ स्टंट जीता मैं. और अर्चना बहुत फ़नी है जैसा सब जानते हैं. वो स्टंट के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे ही उठपटांग करती है और हंसी आ जाती है. सो या आपका नाम लोग बिग बॉस 17 के लिए भी सुन रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है आप बताइए. डिड यू हर्ड एन ऑफर और रोज किया गया था या आपने? अभी फ़िलहाल मैं बिग बॉस नहीं करना चाहता हूँ. नेवर से नेवर, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं करना चाहता हूँ. फिलहाल नहीं करना चाहता हूँ. एंड मे बी समडे, बट अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट डूइंग बिग बॉस 17. अर्चना की टीम में रह चुकी है और आप लोग ने साथ में स्टंट भी किया है. अर्चना जब बाहर आई थी उसके बाद उनके साथ दिल्ली में एक मतलब मारपीट का हादसा हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट्स वेरी सैड. मैंने देखा था जो उनके साथ हुआ. मैंने उन्हें कॉल भी किया था, उनसे बात भी की मैंने. एंड उनके फादर के साथ हुआ था तो वो देख के बहुत बुरा लगा मुझे. एंड इट्स समथिंग वेरी पर्सनल टू हर. एंड आई होप शी इज टेकन अ स्टेप फॉर दैट. अच्छा, ऐसा कौन सा मोमेंट था या टास्क था जिसको आपको विनर बनाने से रोक दिया? यार फाइनल स्टंट तीन लोगों ने किया है, मैंने, ऐश्वर्या और डीनो ने. ऐश्वर्या स्टंट के बीच में इंजर्ड हो गई थी तो वो रेस से बाहर हो गई. बचे मैं और डीनो, हम दोनों ने स्टंट कंप्लीट किया. उन्होंने मुझसे फास्ट किया. सो आई डोंट नो, मे बी स्पीड. अच्छा, डिड यू एक्सपेक्टेड कि आप रनर अप रहोगे और विनर नहीं बनोगे? जब मैंने स्टंट किया था मुझे पता था. क्योंकि मैंने डीनो का स्टंट देखा था तो आई न्यू कि उसने फास्ट किया. Okay. Best challenger for you, last. Best challenger for me. Nice. I think Divyanka. Yeah, she's very tough. Last message to your fans and viewers. Finally, ये journey हमारी खत्म होने वाली है. 14 अक्टूबर को finale है और India और Pakistan का match भी है. So दोनों चीजें देखना. And thank you for all the love. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.